नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 की ई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रीति मुक्त काव्य की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। रीति मुक्त काव्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। स्वच्छंद एवं अकृत्रिम प्रेम का चित्रण। रीतिबद्ध कवियों का प्रेम चित्रण रसिकता एवं कामुकता से ओतप्रोत है, किंतु रीतिमुक्त कवियों के प्रेम चित्रण में अकृत्रिमता, स्वच्छंदता एवं उदात्तता है। उनका प्रेम निरूपण हृदय की अनुभूति से उद्भूत है, अतः उसमें रंच मात्र भी बनावट दिखाई नहीं पड़ती। प्रेम व्यापारों के चित्रण में इन कवियों ने कृत्रिमता को त्याग कर अनुभूति परकता को महत्व दिया है। प्रण्य विभोर मन की ऐसी कोई वृत्ति नहीं है जिसका सहज स्वाभाविक चित्रण घनानंद ने न किया हो। अनुभूति की तीव्रता, अभिव्यंजना की सशक्तता एवं प्रभाव की तीक्ष्णता की दृष्टि से घनानंद रीति मुक्त धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनकी प्रशंसा करते हुए लिखा है, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। विरह वर्णन की प्रधानता। रीति मुक्त काव्य में विरह वर्णन की प्रधानता है। इन कवियों का विरह वर्णन अत्यंत हृदयद्रावक, चित्ताकर्षक एवं मार्मिक बन पड़ा है। जहां बिहारी जैसे कवि विरह ताप की अतिशयता एवं विरह जनक रिश्ता का उहात्मक चित्र अंकित करने में लीन रहे, वहीं घनानंद ने विरह जन्य आकुलता एवं अंतरदशाओं का निरूपण करने तक अपने को सीमित रखा। शुक्ल जी के अनुसार घनानंद ने न तो बिहारी की तरह ताप को बाहरी पैमाने से मापा है, न बाहरी उछल कूद दिखाई है। जो कुछ हलचल है वह भीतर की है, बाहर से वह वियोग प्रशांत और गंभीर है। रीतिमुक्त कवियों का प्रेम अंतर्मुखी है, उसमें हृदय का अंतर्दा, प्राणों की तड़प और मन की व्याकुलता है। उनकी विरह वेदना स्वानुभूत है, अकृत्रिम है और उसमें हृदय पक्ष की प्रधानता है। इस प्रेम की एक विशेषता है उसकी विषमता। प्रिय को प्रेमी की तनिक भी चिंता नहीं है, किंतु निरंतर मिलने वाली इस उपेक्षा से भी सच्चे प्रेमी प्रेम मार्ग का परित्याग नहीं करते। घनानंद प्रेम मार्ग के ऐसे ही धीर पथिक हैं, जो अपनी प्रिया सुजान की बेवफाई से रंच मात्र भी विचलित नहीं हुए और जीवन पर्यंत उसे प्रेम करते रहे। स्वानुभूति का चित्रण। रीतिमुक्त कवियों ने आत्मा व्यक्ति को प्रमुखता देते हुए व्यक्तिगत जीवन की अनुभूतियों को काव्य में अभिव्यक्त किया है। वे किराए के आंसुओं से नहीं अपितु अपने आंसुओं से रो रहे हैं। कहा जाता है कि घनानंद सुजान से प्रेम करते थे, जिसने उनके साथ बेवफाई की। हृदय की वही पीड़ा घनानंद के काव्य में व्यक्त हुई है। वियोग व्यथा के सैकड़ों मार्मिक चित्र उनके काव्य में उपलब्ध होते हैं। अधिकतर रीतिमुक्त कवि अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी प्रिय पात्र से प्रेमाहत हुए थे। उसी स्वानुभूत प्रेम वेदना का चित्र उनके काव्य में है। आलम के विषय में यह कहा जाता है कि वे शेख नामक रंगरेजिन पर आसक्त थे
और कालांतर में उन्होंने उससे विवाह करने हेतु हिंदू धर्म त्याग कर मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था। बोधा भी बड़े रसिक जीव थे। वे पन्ना राज दरबार की सुभान नामक वेश्या पर आसक्त थे। प्रेम की पीर की स्वानुभूत व्यंजना करने में वे बड़े कुशल थे। स्पष्ट है कि रीतिमुक्त कवियों के काव्य में उपलब्ध विरह वेदना कल्पना की उड़ान न होकर निश्चल एवं भावुक हृदय की कहानी मात्र है। सौंदर्य चित्रण, जहाँ रीतिबद्ध कवियों ने स्थूल एवं मांसल सौंदर्य का अंकन किया, वहीं रीतिमुक्त कवियों ने सौंदर्य की सूक्ष्म एवं मनोरम व्यंजना अपने काव्य में की है। प्रेसी का सौंदर्य चित्रित करने के लिए उन्होंने जो अनोखी उत्प्रेक्षाएँ की है, वे अत्यंत आकर्षक बन पड़ी हैं। इन कवियों ने नायिका की चेष्टाओं, हाव भावों एवं सौंदर्य का वास्तविक अनुभूतिपरक एवं प्रभावपूर्ण चित्रण किया है। प्रकृति चित्रण, रीतिमुक्त काव्य में उपलब्ध प्रकृति चित्रण प्राय उद्दीपन रूप में है। पवन को दूत बनाकर नायिका उससे अनुरोध करती है कि तू मेरे लिए प्रिय की चरण रज ला दे। नायिका अपनी विरह व्यथा प्रकृति के माध्यम से प्रकट करती है। इस प्रकार रीतिमुक्त कवियों ने प्रकृति चित्रण उद्दीपन रूप में किया है। रीतिमुक्त कवियों का प्रकृति चित्रण परंपरा पालन के लिए नहीं किया गया, अपितु उस प्रकृति चित्रण में रीतिमुक्त कवियों के हृदय की मार्मिकता एवं सजीवता है। लाक्षणिक भाषा का प्रयोग, रीतिमुक्त कवियों ने लाक्षणिक भाषा का जैसा प्रयोग किया है, वैसा अन्यत्र दिखाई नहीं पड़ता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद की भाषा की प्रशंसा करते हुए लिखा है, इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था, वैसा और किसी कवि का नहीं। इन कवियों ने साफ सुथरी ब्रज भाषा में काव्य रचना की। इनकी भाषा में सरसता कोमलता के साथ साथ नवीनता भी है। भाषा का परिमार्जन तथा व्यवस्थापन भी रीतिमुक्त धारा के द्वारा हुआ। डॉक्टर मनोहर लाल गौड़ के शब्दों में, ठाकुर ने लोकोक्तियों के प्रयोग द्वारा, रसखान ने मुहावरों द्वारा, आनंद घन ने लक्षणा मुहावरों व्याकरण शुद्धि आदि गुणों से भाषा के स्वरूप को सुसंस्कृत बनाया है। रीतिमुक्त काव्य अधिकतर मुक्तक शैली में लिखा गया है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि रीतिमुक्त काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। प्रेम की पीर के गायक इन कवियों ने प्रेम के उदात्त स्वरूप से लोगों को परिचित कराया, तो दूसरी ओर रीतिकालीन अलंकरण एवं चमत्कार प्रियता से कविता को मुक्ति दिलवाई। भाषा की लाक्षणिक शक्ति का प्रयोग करके इन्होंने अनुभूति को प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त किया और काव्य रसिकों की प्रेम की मार्मिक अनुभूतियों से लोगों को परिचित कराया। निश्चय ही घनानंद हिंदी के महान कवियों में से एक हैं, जो रीतिमुक्त धारा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।